बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बेटा आपके साथ नाइन्थ क्लास तर्जमतुल कुरान का फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हवाले से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इन पेपर्स को अच्छे से याद करना है, बकायदे एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। बहुत सारे बच्चों ने यह बुक पूरा साल नहीं खोली होगी क्योंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, बच्चे नहीं देखते और बेटा छुट्टी भी नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने वो चीज़ें लाजमी याद करके जानी है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। हर साल बच्चों को मैं तैयारी इसी तरीके से करवाता हूँ, बच्चे तैयार कर लेते हैं और बच्चे अच्छे मार्क्स ले लेते हैं बेटा। तो बेटा आप चलते हैं जी नजाशी के दरबार में। चले ये पेपर आपको सबसे पहले बताते हैं। नजाशी के दरबार में तलावत की गई थी सूरह मरियम की। ये दोनों पेपर डिफरेंट हैं, कुछ एमसीक्यू सेम है लेकिन कुछ एमसीक्यू डिफरेंट भी हैं। जैसे देखिए इसका चौथा एमसीक्यू आयत के हिसाब से सबसे लंबी सूरत है, इसका है नमाज रोकती है। सेम एमसीक्यूज नहीं है, डिफरेंट है बेटा, सेम पेपर भी नहीं है, पेपर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, ठीक है। सो पहले नजाशी के दरबार में तलावत की गई सूरह मरियम की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत को सुनकर सलाम कबूल किया था, सूरह ताहा को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सूरत को सुनकर सलाम कबूल किया था, सूरह ताहा को। नजाशी के दरबार में तलावत की गई सूरह मरियम की। सूरह फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त आपने बतानी है कि कौन सी होती है। सूरह रहमान में अल्लाह के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त बेटा आपने बतानी है, वो है आजजी, ठीक है। आजजी होती है पहली सिफ्त। आयत के हिसाब से सबसे लंबी मक्की सूरत, देखिए बेटा यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज नहीं है इस पेपर में क्योंकि पेपर थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा, एमसीक्यूज आएंगे या तो आयतें आएंगी या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन बेटा आएगा ज़रूर। लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना कि आप लोग एटलीस्ट इसको याद तो कर सकते हैं ना बेटा, किसी तरीके से आप लोग याद कर लें। हमारा मकसद यही होता है कि किसी तरीके से बेटा आप लोग पढ़ लें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले लें, और हमारा कोई मकसद नहीं होता वीडियोज वगैरह अपलोड करने का। आयत के हिसाब से लफ्ज़ सबसे लंबी सूरत मक्की सूरत सूरह शोर है, ठीक है। कुरान मजीद का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है सूरह मरियम में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की वजह शोहरत थी हिकमत। अलहकाफ का मतलब है रेत का टीला। अहसनुल कसस कहा जाता है, ये बेटा आप लोगों को इसका आंसर देखना पड़ेगा, इसका आंसर जो है चले मैं फिर भी आप लोगों को कन्फर्म करके बता देता हूँ, अहसनुल कसस कहते हैं। सो बेटा जब तक आप लोग जो है इस साइड के एमसीक्यूज देख लेते हैं। नजाशी के दरबार में तलावत की गई थी सूरह मरियम की, अहसनुल कसस कहते हैं। तो बेटा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया था, सूरह ताहा। सूरह फुरकान में आजी नमाज रोकती है बेहिया इसे। चींटी का जिक्र है सूरह नमल में। अहसनुल कसस कहते हैं सूरह यूसुफ को बेटा, ठीक है। रोमियों और ईरानियों की जंग का जिक्र आया सूरह रोम में। हज़रत लुकमान की वजह शोहरत हिकमत और दुनाई। कुरान मजीद का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। कुरान का इबरतनाक वाक्य बयान किया गया है सूरह रोम में। अलहकाफ का मानी रेत के टीले। तो बेटा अब चलते हैं हम लोग के सवालात की तरफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं ये वाले। असलात थोड़ी हज़रत लुकमान की अपने बेटे को कोई से दो नसीहते हैं। जुनाद किस नबी के ताबिया थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं बेटा ये वाले। सूरह फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की सफ़ात। सूरह यासीन की कोई सी एक फजीलत, बेटा मैंने आपको बताया हुआ था ये फजीलतें मरकजी ख्याल, ठीक है, ये आपने लाजम याद करके जाने जो हदीसें मैंने आपको बताई थी उन्हीं में से आपका पेपर इंशाल्लाह आ जाएगा। सूरह सजदा की कोई से दो मौजूआत तहरीर करें। उसके बाद है इन अब्दुल्ला का बामा हमारा तर्जमा, बालागल अरबाइनी सनता का बामा हमारा तर्जमा, इशदम भी अजरी का तर्जमा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इस पेपर के शोर सवाल देख लेते हैं। कुछ सवाल मैच भी होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट होंगे। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डियर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा काइंडली यहाँ से सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को आपने आल पे सेलेक्ट कर देना है
ठीक है, ताकि वीडियोस जो है वो बाकी बच्चों तक पहुंच जाए और आपको भी बाकी एमसीक्यूज वगैरह वीडियोस देख लें। तो मेरे सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज दिख जाएगा, बकायदा पेपर स्कीम जो है मैंने अपलोड की हुई है तो आप लोग पेपर स्कीम भी देख सकते हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। बेटा यहाँ से प्लीज़ वीडियो को लाइक आपने लाजमी तौर पर कर देना है। अल्लाह पाक का तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दें। तो बेटा आप चलते हैं जी हम लोग सवालात की तरफ। तो बेटा ये देखिए पहला क्वेश्चन सेम है, दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट है। हिजरत हबशा का सबब क्या था? यहाँ पे है लेकिन साइड में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसके बाद है सूरह यूसुफ के दो अमली निकात, सूरह शोरा का खुलासा, सूरह यासीन के दो फजीलतें, सूरह सुआद के नाजिल होने का वाकया, रब्बु शरहली सादरी का बा मुहावरा तर्जमा, इन्ना सआत मुस्तकरर मुकामन का बा मुहावरा तर्जमा। उसके बाद है बेटा मानी करने सलातु कुन उखी यम शऊना मा अल्लाह ती उमियान बालागा। तो बेटा इस दोनों पेपरों में एमसीक्यू से ये मीनिंग सेम सेम है। तो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों याद करने हैं। ठीक है, अब आयतें देख लेते हैं बेटा। आयतें जो है आयतें भी दोनों पेपरों में तकरीबन जो है वो सेम है। तो बेटा आपने याद याद कर लेनी है, याद का तर्जमा जो है बेटा आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, सो लाजमी तौर पे बेटा आपने ये आयतें याद करनी है। मैं आयतें सारी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वाजाल ने मुबर्रक इन नमा कुंता व उसा भी सलाती व ज़कात ही मादुमता अहया। ठीक है, वाबादिल्लाह रहमान लजीना यमशऊना अलल अर्दी हाउना इज़ा खताब हुम जाहिलूना कालू सलामन वल्लज़ीना याबितूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा। तो बेटा ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, अपने अच्छे तरीके से इन्हें याद को याद करके जाना। उसके बाद बेटा ये देखिए लोंग सवाल, सूरह नमल का तारफ मजामीन और चाल अमली निकात तहरीर करें, सूरह मरियम की रोशनी में हिजरत हबशा का वाक़ तफसील से बयान करें, सूरह हज का तारफ खुलासा मरकजी मजमून, सूरह फुरकान का तारफ खुलासा मरकजी मजमून। बेटा फर्स्ट टाइम के लिए सेकंड टाइम के लिए बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप फर्स्ट टाइम के हैं या सेकेंड टाइम के हैं बेटा फिर भी आपने ये दोनों पेपर याद करके जाने हैं। हो सकता है पेपर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है लेकिन आपने कोशिश करनी है बेटा आपने दोनों पेपर याद करने हैं ताकि आप लोगों का पेपर जब बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं अल्लाह करे उन सभी बच्चों का पेपर आसान आ जाए। और बेटा प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें मेरे साथ साथ। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे यहाँ से और इस बेल को आपने ऑल सेट कर देना। सो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन दोनों पेपर्स को आप लोग एक दफ़ा देख लें और इनका स्क्रीनशॉट कर लें बेटा एमसीक्यूज का, और आपने ये एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने हैं अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो।